हेलो एवरीवन, सीईटी महाराष्ट्र का कल आप लोगों का पेपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप अपना बेस्ट करें। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया और आप में से कई बच्चे काफी सीरियस भी हैं सीईटी महाराष्ट्र को लेके। अच्छी बात है क्योंकि सीईटी महाराष्ट्र के थ्रू पुणे यूनिवर्सिटी मिलती है और पुणे यूनिवर्सिटी की अच्छी रेपुटेशन है, अच्छे प्लेसमेंट है। बट एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताना चाहूंगा कि आप ये फाइनल एंड लास्ट स्टेप्स हैं कि आप क्या बात याद रखें जिससे कि आप सीईटी महाराष्ट्र के पेपर में अच्छा परफॉर्म करें। नंबर वन कि पुणे यूनिवर्सिटी कितने मार्क्स में मिलेगा या विजेटीआई कितने मार्क्स में मिलेगा, एसपीजेएन कितने मार्क्स में मिलेगा, ये सब बातें दिमाग से निकाल दीजिए। एक तो सीईटी महाराष्ट्र का मतलब हुआ कि महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलेज काफी है। ऑब्वियसली कुछ कॉलेजों में प्लेसमेंट अच्छे हैं, कुछ में नहीं भी है। जाना है या नहीं जाना ये भी सेकेंड बात होती है। इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अगर ये एग्जाम दे रहे हैं तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। दूसरी बात कि क्या ना करें और क्या इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखें। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इस एग्जाम को देने वाले वो लोग हैं जिन्होंने निमसेट दिया था, और निमसेट दिया था और जो भी रीजन रहा निमसेट में आपकी रैंक नहीं आई, ऑब्वियसली इसीलिए आप ये महाराष्ट्र दे रहे हैं क्योंकि जिनकी निमसेट में रैंक आई उनने ऑलरेडी कॉलेजेस ऑप्ट कर ली है। और एक प्रैक्टिकल बात है कि अगर मान लीजिए 25,000 बच्चे निमसेट का एग्जाम देंगे तो 24,000 बच्चे तो नहीं होंगे ना सिलेक्ट, क्योंकि सीटी जब 950 है तो ऐसे में हमारे पास ये एक अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट। और इस ऑप्शन में अगर आपको टॉप के कॉलेज मिलते हैं तो वहां पे प्लेसमेंट भी अच्छे मिलेंगे और दूसरी बात आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी वो मैं बताना चाहूंगा। नंबर वन कि सीईटी महाराष्ट्र में और निमसेट में क्या चेंज है और क्या सेम है। सबसे पहले सेम सिलेबस है, थोड़ा सा मेंसुरेशन ऐड होता है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस का पोर्शन कम होता है, बट पैटर्न सेम है। यानी वही सेम फोर सेक्शन है जो कि निमसेट में होते हैं, यानी मैथ्स, एलआर, कंप्यूटर और इंग्लिश। बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है, जैसे निमसेट में जब आप पेपर देते हैं, ये सब आपको पता, फिर भी इसलिए बता रहा हूं कि आपका माइंडसेट आप क्या करके जाए, क्योंकि जब निमसेट देने जाते हैं तो हमारा माइंडसेट होता है कि हमें मैथ्स करना है, कंप्यूटर करना है, रीजनिंग करना है, फिर इंग्लिश करना है, क्योंकि वेटेज अलग अलग है। मैथ्स में 12 मार्क्स हैं तो कंप्यूटर में 8 मार्क्स हैं तो रीजनिंग में 6 हैं तो इंग्लिश में 4 है। यहां पर वेटेज इक्वल है, यानी आपको 100 क्वेश्चन का पेपर मिलेगा जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 क्वेश्चन क्यूएलआर, 20 इंग्लिश और 20 कंप्यूटर के मिलेंगे। सभी के 2 मार्क्स होंगे, यानी 200 मार्क्स का पेपर है और 1/4 निगेटिव है। अब इसमें आपको, आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। मान लीजिए आपका क्यूएलआर अच्छा है तो गो फॉर क्यूएलआर, मैथ्स अच्छा है तो गो फॉर मैथ्स, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश पे चले जाओ और कंप्यूटर सेक्शन अच्छा है तो कंप्यूटर सेक्शन पे चले जाओ, क्योंकि सभी के 2 मार्क्स मिलने हैं। अब यहां पर सब कुछ जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि 100 क्वेश्चन में से आप कितने अटेम्प्ट करते हैं, और लगभग लगभग आप एक चीज याद रखिए कि 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। अब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन तो नहीं करने, तो कितने करने? अगर आप 65 से 75, अपर लिमिट बता रहा हूं 75, लोअर लिमिट बता रहा हूं 65, अगर आप 65 से 75 के बीच में हैं तो वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपको पुणे यूनिवर्सिटी मिले। और 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन तक भी मैं ये मान सकता हूं कि आप, ये क्वेश्चन के टर्म में बता रहा हूं मैं, 50 क्वेश्चन तक भी मैं मान सकता हूं कि आपको कोई पुणे, मतलब सीईटी महाराष्ट्र के थ्रू अच्छा कोई कॉलेज मिल सकता है। तो अब ये बात आती है कि लगभग आप ये मान के चलिए कि आपको 70% प्लस अबव अटेम्प्ट करना है, यानी आपके पास फुल इस बात का स्कोप है कि आप 25 से 30% का छोड़ दें। अब क्या छोड़ें? ऑब्वियसली जो नहीं आता। अगर मैं आपसे बोलूं या लेवल की बात करूं तो सीईटी महाराष्ट्र का लेवल, इसलिए कई बार बच्चों ने मुझे बोला सर सीईटी महाराष्ट्र के पेपर नहीं मिलते, मैं बोलता हूं पेपर की जरूरत ही नहीं। अगर आपने निमसेट दिया है या निमसेट की तैयारी की है, निमसेट के मॉक दिए हैं, तो इसका मतलब सीईटी महाराष्ट्र के लिए कुछ एडिशनल एफर्ट की जरूरत नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जिनके 60% नहीं होते उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है सीईटी महाराष्ट्र। यानी सीईटी महाराष्ट्र देने के लिए दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जिनका निमसेट दिया हुआ और एक वो भी होते हैं जिन्होंने निमसेट नहीं दिया होता बिकॉज 60% नहीं है, पर वो सीईटी महाराष्ट्र दे सकते हैं क्योंकि सीईटी महाराष्ट्र में 60% वाला क्राइटेरिया नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हर एक बच्चा जो इम्पिटस गुरुकुल से जुड़ा, मैंने एक ही बात बोली कि अगर आपने निमसेट की तैयारी की है या निमसेट के पेपर सॉल्व किए तो सीईटी महाराष्ट्र के लिए अलग से कुछ नहीं करना। लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता है, मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूले तक पूछे जा सकते हैं,
बिल्कुल सीधे से। अब जैसे कैलकुलस में कहा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट होता है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि आपको बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत एलिमेंट्री लेवल की आती है, 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलेंगे और कम ही मिलेंगे। थोड़ा मेंसुरेशन आ जाता है, मतलब 9th-10th का ज्योमेट्री मेंसुरेशन वाला पार्ट आ जाता है। अगर आपने मेंसुरेशन के फॉर्मूले नहीं देखे तो मैं बोलूंगा एक बार देख लीजिए, और नहीं भी देखें तो चलेगा, आपके पास काफी स्कोप है। तो आप ये ट्राई करिए कि मैथ्स में, मैं एक बात बिल्कुल श्योर बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेंसुरेशन, ज्योमेट्री या कोई एडिशनल पोर्शन नहीं भी किया तो भी आप 20-25 कर सकते हैं, यानी मैथ्स में आप 20+। रीजनिंग बहुत ही सिंपल आती है, सिंपल पजल्स या कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, आप 20-25 तक आप इसमें पहुंचा सकते हैं। यानी आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, अब हुए 50, अब बचे 25। अगर आपका डोमेन इंग्लिश है देन ओके, इंग्लिश के करिए, नहीं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन करिए। ये 50+20 होते हैं 70, कंप्यूटर काफी सिंपल आती बन जाएगी। एक चीज याद रखिए, इतना बोलने के बाद भी हर बात इस बात पे डिपेंड करती है कि पेपर कैसा आता है और लेवल कैसा है। अगर पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम जाएगा, पेपर इजी होगा तो ज्यादा जाएगा। यानी टफ हुआ तो 60 नंबर पे भी, 60 क्वेश्चन में भी आपका काम चल जाएगा, इजी हुआ तो 70 के ऊपर भी जाना पड़ सकता है। एक एवरेज रेंज 60-70 क्वेश्चन की जाती है। यहां पर जो मैं बोल रहा हूँ 60-70 मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो आप लोग इस पेपर को अगर अच्छा देना चाहते हैं तो दो बातें याद रखें। एक, वो गलती ना करें जो निम सेट के पेपर में कुछ बच्चों ने की है, यानी अननेसेसरी प्रेशर लेना, ओवर थिंकिंग, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइमिंग ऑफ क्वेश्चंस, ये गलती ना करें। यानी आप बिना किसी प्रेशर के पेपर दें, जो नहीं बनता लीव, जो बनता उसको करते जाएं पहले, और सभी के मार्क्स इक्वल हैं तो यहां फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले आप पहले राउंड में कोशिश करिए, 90 मिनट है, 90 मिनट को 3 पार्ट में बांटिए, 30-30-30। पहले 30 मिनट में हर बच्चा अगर सही पॉजिटिव माइंड से करे तो फर्स्ट 30 मिनट में आप 40+ क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि पहले 30 मिनट में केवल वो करना जिसके लिए पेन ना उठाना पड़े, या उठाओ भी तो एकाध सिंगल स्टेप लिखो, बस 1 और 2 स्टेप में क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल श्योर है। तो आप सिलेक्ट करते हुए चलिएगा और अपनी डोमेन के हिसाब से। कुछ बच्चों ने मुझे पूछा कि सर पहले कौन सा सेक्शन लें, यहां पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं क्योंकि सभी के इक्वल मार्क्स होते हैं। तो आपकी जो स्ट्रांग डोमेन है, जैसे कंप्यूटर इजी भी होता है, आप कंप्यूटर से स्टार्ट कर दें, रीजनिंग कर दें, रीजनिंग वैसे बाद में करें तो अच्छा, कई बार हम पजल्स में उलझते हैं तो टाइम लग जाता है, तो आप किसी भी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। बट पहले 30 मिनट में ट्राई करें 40 क्वेश्चन, नेक्स्ट 30 मिनट में आपको ट्राई करना है 20 क्वेश्चन। यानी देखिए पहले 30 मिनट में 40, पर अगले 30 मिनट में मैं 20 क्वेश्चन बोल रहा हूं, यानी आपके पास 1 मिनट से ज्यादा टाइम है। इस तरह से लगभग 60, और अगले 30 मिनट में 10 से 20 क्वेश्चन भी कर लिए आप पुणे यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। बट मैनेजमेंट और थिंकिंग पावर और डिसीजन मेकिंग पावर, इन तीनों पे वर्क करना। यानी बिल्कुल जरा भी लग रहा है उलझ रहे हैं तो छोड़ दो। पर वैसे मैं आपको इन जनरल बता दूं, पूरा पेपर ऐसा होता है कि अटेम्प्ट करने वाला होता है, उसमें कुछ छोड़ने जैसा नहीं होता, अनलेस एंड अंटिल कि अगर आपका मीडियम इंग्लिश नहीं है या आपका इंग्लिश पे कमांड नहीं है तो आप छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए इंग्लिश हटा दो। जिनका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है उनको बोल रहा हूं, तो आज इंग्लिश हटा दो तो आपके पास 80 क्वेश्चन है। आप ऐसे सोचो, कुछ बच्चों ने मुझे बोला भी कि सर हम लोगों का मीडियम इंग्लिश नहीं था और हमारा इंग्लिश पे इतना कमांड नहीं है, हमने निम सेट के लिए भी इंग्लिश नहीं की थी। तो मैंने उनसे एक ही चीज बोली और आपको ही बोलूंगा, आप हटा दीजिए इंग्लिश। अब आप ऐसे सोचिए कि 80 क्वेश्चन आए और 90 मिनट मिले, और इन 80 क्वेश्चन में मैं ट्राई करूंगा कि 70-75 इंग्लिश फिर देखना ही मत। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम पता क्या करते हैं, एक मिस्टेक होती है कॉमनली कि हम उन क्वेश्चन को भी देखते हैं जो हमें नहीं बनता, सोचते हैं कि चलो देख लेते हैं शायद बन जाए, पर वो दिक्कत कुछ नहीं है, पर उसमें जो आप टाइम देते हो 2-4 मिनट, 2-4 मिनट कह रहा हूं, 1-2 मिनट, वो टाइम कहीं ना कहीं आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन को किल कर रहा है। तो आप लोग जो सेक्शन नहीं आता, मेरा पर्सनल सजेशन है उस सेक्शन को देखो ही मत। तो अगर आपने अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इंग्लिश हटा दिया तो आप 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन 90 मिनट, 70 के ऊपर करना है, आराम से हो जाएंगे। इंग्लिश आता इंग्लिश भी इंक्लूड कर लो, फिर जो चीज नहीं बनती उसके कुछ पोर्शन को छोड़ दो। यानी आपका टारगेट होना चाहिए कि एग्जाम में आप 70-80 तक कर ले, पर इसके बाद भी मैं फिर बोलूंगा हर चीज इस पर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू पेपर। जैसे रोड पे गाड़ी कितनी स्पीड में चलाओगे ये रोड कंडीशन पे डिपेंड करती है, वैसे ही पेपर में कितने अटेम्प्ट करना है ये भी पेपर में। कुछ लोगों ने निमसेट के पेपर में इस बात को लेके कि मैं कम अटेम्प्ट कर रहा हूं मुझे ज्यादा करने होंगे सिलेक्शन नहीं होगा, ज्यादा अटेम्प्ट करने में रॉन्ग कर दिए, उससे कई अच्छा होता, उनको बाद में इस बात का अफसोस भी हुआ कि कम करते तो सर रैंक लग जाती। वही गलती मत करिए, आप भले ही कम करिए, आपको 50 बनते हैं, आप 50 कराना,
60 बनते हैं 60 कराना, 70 बनते हैं 70 कराना, पर जितने बनते हैं उतने ही करके आना, उससे आगे पीछे कुछ मत सोचना, बस फिर क्या होगा ये छोड़ दो आप। तो क्योंकि अगर पेपर मान लो लेंदी हुआ इन केस और आपको नहीं बन रहा है तो बाकी सबको भी नहीं बनेंगे, और पेपर इजी हुआ तो आपको बन रहा है तो बाकी को भी बनेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पेपर डिसीजन लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू पेपर डिसीजन, अकॉर्डिंग टू पेपर फर्स्ट सेक्शन क्या है ये भी अकॉर्डिंग टू पेपर लीजिएगा, बिल्कुल प्री प्लान। कोई भी पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, निम सेट में कुछ बच्चों ने ऐसा किया भी और बताया भी कि हम ये प्लान करके गए थे पहले ये करे और उलझ गए। कोई प्री प्लान प्रिपरेशन मत करके जाओ, जो सेक्शन इजी लगे उसको करो, जो सेक्शन आपको लगता है बाद में करना उसको बाद में करो, और सिंपल टू टफ चलो। और तीन सेक्शन फिर बोलूंगा, पहले 30 मिनट में 30 से 40 क्वेश्चन इंक्लूडिंग पूरा पेपर स्कैनिंग, यानी आपको 30 मिनट में यह भी समझना है कि पेपर का नेचर क्या है और साथ में यह भी समझना है कि कहां सिंपल है कहां टफ है, और 30-40 क्वेश्चन निपटाना है। अगले 30 मिनट में जो आपने पहले 30 मिनट में सिलेक्ट किए फर्स्ट और सेकंड राउंड के वो करना है, और लास्ट के 30 मिनट में लास्ट राउंड के क्वेश्चन करना है। इस पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ जाओ, पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा पेपर देके निकलेंगे। ऑल द बेस्ट वंस अगेंस्ट, अच्छा करो, चिंता मत करो, किसी बात की फिक्र मत करो, फोकस होकर पढ़ाई करो। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो दोनों बातें होती हैं, या तो हम सिलेक्ट होंगे या रिजेक्ट, बट क्या होगा ये सोच के एग्जाम दोगे तो बिगड़ जाएगा। आप तो अपने पॉजिटिव माइंड से अपना बेस्ट देके आइए, इसीलिए बेस्ट ऑफ लक बोला जाता है कि आप अपना बेस्ट दीजिए। बेस्ट का मतलब यही होता है, आप उससे आगे पीछे मत सोचिए। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।